दी कश्मीर फाइल्स की रिलीज के बाद से बिट्टा कराटे का नाम भी चर्चा में आ गया। लोग इस किरदार के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इंटरनेट खंगाल रहे हैं। बिट्टा कराटे यानी फारूक अहमद डार ने 3 दशक पहले कश्मीर घाटी में आतंक फैलाने में अहम भूमिका निभाई थी। JKLF का एरिया कमांडर रहते हुए उसकी सरपरस्ती में आतंकवादियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया था। बिट्टा कराटे की लव स्टोरी भी खूब सुर्खियों में रही। कराटे की शादी कश्मीर प्रशासनिक सेवा की अधिकारी असबा आरजू मन से हुई। कैसे हुआ बिट्टा और असबा का निकाह? 2008 में बिट्टा और असबा की पहली मुलाकात बिट्टा के एक दोस्त के घर हुई। करीब 5 महीने बाद बिट्टा ने असबा के सामने अपने प्यार का इजहार किया। असबा के परिवार को रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन असबा नहीं मानी। 1 नवंबर 2011 को फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे और असबा आरजूमंद खान का निकाह हुआ। बिट्टा कराटे को 1990 में सुरक्षा बलों ने अरेस्ट किया था। साल 2006 में उसे सबूतों की कमी के चलते अदालत से जमानत मिल गई। बिट्टा कराटे के खिलाफ 2019 में टेरर फंडिंग केस में आरोप तय हुए। बिट्टा कराटे की पत्नी असबा ने कहा था, अगर मैं कश्मीर प्रशासनिक सेवा में ना भी होती तो भी मैं बिट्टा कराटे से ही शादी करती। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर को दिखाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।